हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक। तो ऑलमोस्ट हमने के मैप पूरा फिनिश कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट? तो बेसिकली डिजिटल सर्किट दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट। तो ये दो हमारा जो डिजिटल सर्किट है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है एंड एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है। तो पहले हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट, पहला पॉइंट इन द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप स्टार बना के यहाँ पे लिखें, इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड बट डज नॉट डिपेंड द पास्ट आउटपुट। क्लियर? इन द सिक्वेंशियल सर्किट, यहाँ स्टार बना के लिखिए, इन द सिक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एंड आल्सो डिपेंडेंट पास्ट इनपुट पास्ट आउटपुट। क्लियर? फिर इसके बाद इसमें नो मेमोरी, कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नो मेमोरी, इसमें लिखेंगे मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें लिखोगे नो फीडबैक की रिक्वायरमेंट है, कोई फीडबैक आउटपुट से इनपुट में कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए कोई नो फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बार फिर से मेरे पॉइंट को सुनिएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट बट डज नॉट डिपेंड द पास्ट आउटपुट। क्लियर? एंड सिक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट, जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड आल्सो डिपेंडेंट इन द पास्ट आउटपुट। क्लियर? इसमें नो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, इसमें एटलीस्ट, इसमें नो फीडबैक की रिक्वायरमेंट है, इसमें एटलीस्ट वन फीडबैक की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो ये आप दोनों में डिफरेंस है। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, एडर। इसका एग्जांपल क्या है? एडर है। इसका एग्जांपल है एडर सबट्रैक्टर। क्या है? सबट्रैक्टर। क्लियर? इसका एग्जांपल है एडर सबट्रैक्टर, मार्क्स मार्क्स डी मार्क्स, यही सब हमको पढ़ना है इसमें। डी मार्क्स डिकोडर डिकोडर इनकोडर। क्लियर? तो इसका एग्जांपल है एडर सबट्रैक्टर मार्क्स डी मार्क्स डिकोडर इनकोडर लुक एड कैरीड एडर, ये सब इसके एग्जांपल है। क्लियर? सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल हैं लैच लैच फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर। क्लियर? रजिस्टर काउंटर। तो ये सिक्वेंशियल, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल है और ये सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल, जैसा कि आप लोग दोनों में डिफरेंस समझे। फिर हमारा मेन टारगेट आज का है कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो आइए कॉम्बिनेशनल सर्किट देखते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जैसा कि हमने बताया, कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें क्या क्या पढ़ना है? एडर सबट्रैक्टर मार्क्स डी मार्क्स डिकोडर इनकोडर। क्लियर? पैरेलल एडर सीरियल एडर लुक अहेड कैरी एडर। क्लियर? ये सब है हमारा इसका एग्जांपल, ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो डिजाइन कैसे हो गए। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन, क्लियर, डिजाइनिंग प्रोसीजर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइनिंग प्रोसीजर हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए। पहला, जब भी कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना होगा तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट। स्टेप वन में आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर? दूसरा आप करेंगे कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। इनपुट एंड आउटपुट को लेके कंस्ट्रक्ट द इनपुट टेबल बनाएंगे और उस ट्रुथ टेबल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? फिर तीसरा पॉइंट लिखिए, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन इन आइदर एसओपी एंड पीओएस फॉर्म।
write the logical expression in either SOP and POS form. Clear? फिर इसके बाद आपका है minimize the logic expression. अगला स्टेप है minimize the logic expression. Clear? फिर लास्ट में है construct the logic circuit. ये प्रोसीजर है आपका. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपको कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन हो, यही कॉम्बिनेशन से कुछ भी डिजाइन करना हो, तो भाई सबसे पहले आप तो डिसाइड करेंगे. आप मान लीजिए कस्टमर आया, आपसे बोला कि आप मुझे एक एडर बना के दो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होगा, एडर में कितने इनपुट होते हैं कितने आउटपुट होते हैं. तो आपका सबसे पहले एम होना चाहिए कि इनपुट एंड आउटपुट कैसे डिसाइड करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एडर बनाना है, तो एडर में तो इनपुट मान लीजिए 1 बिट का या 2 बिट का एडर बनाना है, तो आप 2 बिट लेंगे और दोनों बिट को ऐड करेंगे तो ये तो सम आएगा, और वो अगर वो बिट दोनों 1-1 है तो इसके बाद कैरी भी आ सकता है. तो इसलिए सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि एक कैरी होता है और एक सम होता है, किसमें, एडर में. क्लियर? तो और इनपुट कितने होंगे, जितने इनपुट का आपको एडर की रिक्वायरमेंट होगी. क्लियर? तो इस तरह से पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट. फिर इसके बाद कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल, अब जो इतने इनपुट हैं, इनपुट में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है सारे फुलफिल करेंगे. जैसे 2 वेरिएबल का है, 0-0 हो सकता है, 0-1 हो सकता है, 1-0 हो सकता है, 1-1 हो सकता है. क्लियर? अगर 3 वेरिएबल का है तो 0-0, फिर 0-0-1, 0-0-1-0, 0-1-1, फिर 1-0-0, इस तरह से 8 तक जाएगा. क्लियर? तो ये है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल. फिर इसके बाद आपको क्या करना है, राइट द लॉजिक एक्सप्रेशन. अब उसके बाद आउटपुट को फिल करना है. आउटपुट को फिल करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट है. अगर हमें एडर बनाना है तो उनको सम करके ऐड करना है, सम करके वो आउटपुट भरना है. अगर हमें सब्ट्रैक्टर बनाना है तो वो डिफरेंस करके हमें वो आउटपुट भरना है. वो भरने के बाद उस एक्सप्रेशन को आप एसओपी से या पीओएस फॉर्म किसी से भी सिंप्लीफाई करके बुलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो. जब बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा तो उसको सिंपल लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट कर दोगे, तब आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट तैयार हो जाएगी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें एडर बनाना है या सब्ट्रैक्टर बनाना है या मक्स बनाना है या डीमक्स बनाना है. क्लियर? तो इस तरह से 5 स्टेप हमने बताया आपको फॉलो करना है डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट में या डिजाइनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन की क्या प्रोसीजर है, पहले पास कंस्ट्रक्ट आइडेंटिफाई द इनपुट आउटपुट, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, ठीक है, फिर राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म, मिनिमाइज द लॉजिक एक्सप्रेशन, फिर मिनिमाइज करेंगे लॉजिक एक्सप्रेशन के, इसके बाद आपका कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सर्किट. ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. क्लियर? तो इसका एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास है एडर. आप ध्यान से बोर्ड पे कनेक्ट रहिएगा. अब मेरे पास इसका एग्जांपल है आपका हाफ एडर मुझे बनाना है. आप मैं आज का टॉपिक है हाफ एडर. आज का मेरा टॉपिक है हाफ एडर. क्लियर? हाफ एडर. तो जैसा कि मैं जानता हूं कि हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं और 2 इनपुट होंगे, तो 2 इनपुट मैंने डिसाइड कर लिया, ए एंड बी इनपुट ले लिया. हाफ एडर मुझे डिजाइन करना है, ठीक है, तो मैंने 2 इनपुट ले लिया. आप ध्यान से समझिएगा डिजाइनिंग का प्रोसीजर, कुछ याद नहीं करना है. हाफ एडर है, हाफ एडर बनाना है, तो आपने 2 इनपुट ले लिया ए एंड बी. तो 2 इनपुट का अगर ऐड करोगे तो या तो सम भी आएगा या कैरी भी आ सकता है. तो इसलिए दो हमने आउटपुट भी डिसाइड कर लिया कि सम और कैरी होंगे. अब कंस्ट्रक्ट द इनपुट हमने कर दिया, डिसाइड आइडेंटिफाई द इनपुट आउटपुट हमने डिसाइड कर लिया. फिर इसके बाद आप ट्रुथ टेबल भरेंगे. तो 2 इनपुट है तो कितना हो सकता है, 0-0 हो सकता है, 0-1 हो सकता है, फिर इसके बाद 1-0 हो सकता है एंड 1-1 हो सकता है. क्लियर? इसके अकॉर्डिंग तो कुछ और होगा नहीं. फिर इसके बाद अब जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हम कहें ट्रुथ टेबल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे आउटपुट. तो हाफ एडर बनाना है तो इनको ऐड करना है. 0-0 का एडिशन क्या होगा, 0 कैरी भी 0. 0-1 का एडिशन क्या होगा, 1 कैरी 0. 1-0 का एडिशन क्या होगा, 1 कैरी 0.
वन वन का एडिशन क्या होगा, आप जानते हैं अगर वन और वन ऐड करेंगे तो क्या आता है, वन जीरो। तो ये देखिए जीरो यहाँ पे आ जाएगा और कैरी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। क्लियर? तो ये हमने फुलफिल कर लिया। अब देखो इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम बहुत तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, हमने की जैसा आप लोगों को एक लेक्चर में बताएं। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हम यस और के लिए के मैप से सॉल्व करके हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यस के लिए के मैप फॉर यस, के मैप मैं डायरेक्ट कर सकता हूं लेकिन आपको के मैप से बता रहा हूं, के मैप फॉर यस। तो देखिए यस के लिए मैं के बना हूं, दो वेरिएबल है तो टू आ जाएगा, फोर सेल आ जाएंगी, जैसा कि के मैप से आप लोग फैमिलियर हैं। यहाँ पे मैंने ये ले लिया, यहाँ भी ले लिया और यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये सिंगल आएंगे, कोई पेयर नहीं बनेगा। तो जो यस आएगा आपके पास वो ए बी बार आएगा और प्लस ए बार क्या आएगा, बी आएगा, जिसमें ये क्या है ए बार है, ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, बी है ए बी बार और ए बी। क्लियर? बेसिकली एक्सक्लूजिंग आर गेट है, आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूं। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर? ये एक्सक्लूजिंग बी हो जाएगा। तो मैंने सम के लिए इस तरह से निकाल दिया। अगर के मैप फॉर मुझे निकालना है, के मैप फॉर कैरी, के मैप फॉर कैरी, कैरी के लिए के मैप निकालना है, तो ये देखिए मैंने इनके लिए फोर सेल बना लिया, ये देखिए, और यहाँ पे केवल यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन भर दिया और सब जगह जीरो, तो यही सिंपल आएगा। तो ये सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, बेसिकली ये एंड गेट का है, आप लोगों को ये क्लियर है। तो कैरी आपका ए बी आ गया एंड सम आ गया ए एक्सक्लूजिंग बी। क्लियर? तो दोनों का एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, यस इक्वल टू आ गया ए एक्सक्लूजिंग बी, ठीक है, एंड सी इक्वल टू आपके पास आ गया ए बी, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा इसको, मैं देखो और मेथड से निकाल सकता था, मैं हल्का सा बताता हूं। अगर आप एसओपी फॉर्म ले रहे हैं तो वन को कंसीडर करेंगे यस के लिए, तो वन ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, देखिए यस इक्वल टू, मैं अलग से बता रहा हूँ आप, मेरा तो आउटपुट आ गया है, ये देखिए वन यहाँ पे है, वन है, तो एसओपी फॉर्म पर अगर कैलकुलेट करूंगे तो ये क्या लिखूंगा, ए बार, ए क्या आ जाएगा बी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा ए, और ये क्या आ जाएगा बी बार। तो यस तो ये हो गया। फिर देखिए अगर मुझे कैरी के लिए लिखना है तो सी इक्वल टू ये लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, सी के लिए ए एंड डॉट बी ये लिख सकता हूं। तो देखिए इस तरह से भी एसओपी फॉर्म से आ गया। अगर इसी को मुझे पॉस फॉर्म से कैलकुलेट करना होता, जीरो को कंसीडर करना होता, तो ये देखिए पॉस फॉर्म, ए एसओपी फॉर्म से हमने कैलकुलेट किया, एसओपी से अगर मुझे पॉस फॉर्म से कैलकुलेट करना होता सम एंड कैरी, ये सब कुछ जान लीजिए क्योंकि इसकी सबको रिक्वायरमेंट आगे पढ़ती जाएंगे। पॉस फॉर्म से अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, जीरो ये है, जीरो के आगे देखिए ये है, तो आप लोग जानते हैं ए और ये क्या लिखेंगे, प्लस बी एक ब्रैकेट में। क्लियर? और यहाँ पे देखिए डॉट और यहाँ पे लिखेंगे ए बार एंड प्लस बी बार। फिर देखिए इसको हम लगा देंगे वो थ्योरम, इसका इसमें कॉम्प्लीमेंट है अपोजिट मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा ए बी बार हो जाएगा और यहाँ पे ए बार क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर? तो सम हो गया। इसी तरह से देखिए कैरी के लिए हम क्या करेंगे, कैरी जीरो जीरो यहाँ पे इतने पे पार्ट पे है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे ए ए यहाँ पे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और तीसरे ब्रैकेट में डॉट लगा के आप लिखेंगे ए बार प्लस बी। क्लियर? ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सी इक्वल टू, देखिए मैं हमारा आंसर हमारा क्वेश्चन है, आपके मैप से ही सॉल्व करिएगा एग्जाम में, लेकिन हमें सब सिखा रहे हैं कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन कैसे भी एसओपी से पॉस किसी फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों में सेम है, तो ए हो गया और इन दोनों का अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा डॉट ए कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए क्या हो जाएगा बी। फिर इसको सिंप्लीफाई और कर लीजिए तो ये हो जाएगा ए डॉट ए बार
एंड प्लस क्या आ जाएगा ए बी, तो ये जीरो हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ए बी आ जाएगा। तो देखिए सेम एक्सप्रेशन आ गया, तो चाहे एसओपी फॉर्म से करो चाहे पीओएस फॉर्म, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया सम एंड कैरी। अब इसको लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट कर दीजिए, आपका आंसर ले लीजिए। तो लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करने में ये देखिए आपका ए एक्सक्लूजिंग ए आपका हाफ एडर मैं बनाने चल रहा हूँ, तो मैंने ये देखिए एक एक्सक्लूजिंग आर गेट ले लिया और यहाँ पे इनपुट ए ले लिया, ये देखिए इनपुट ए ले लिया और ये इनपुट आपका बी ले लिया, ठीक है। और यहीं से देखिए मैं क्या किया, एक यहाँ पे एंड गेट लिया, क्या लिया एंड गेट, और ये आपका सम हो गया और ये क्या है कैरी है, तो यहाँ पे ये बी को इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये देखिए वायर को ऐसे करके इससे ए कनेक्ट कर दिया, तो C इक्वल टू आ गया A डॉट B कैरी और सम इक्वल टू आ गया A प्लस ये एक्सक्लूजिंग B। तो ये आपका फुल एडर की सर्किट कंप्लीट हो गई, ये देखिए आप सॉरी फुल एडर कह रहा हूँ, हाफ एडर की ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर। अब जब ये सर्किट है आपको सिंपल हाफ एडर की ये सर्किट है, क्लियर। तो अगर इसी को मैं बेसिक गेट से बनाऊं, ये देखिएगा आप लोग, इसी को अगर मैं बेसिक गेट से बनाऊं, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। अगर इसी को मैं बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करूं, तो बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करने में आपके पास देखिए सम इक्वल टू आया था ए बार ए बी बार एंड प्लस क्या आया था ए बार बी एंड सी इक्वल टू आपके पास ए बी आया था, बेसिक गेट से इंप्लीमेंटेशन। ये तो मैं एक्सक्लूजिंग आर गेट का यूज किया हूं। अगर मैं ए ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे बबल लगा दिया, बबल मतलब नॉट गेट लगा दिया, एंड बी ले लिया यहाँ पे मैंने सीधे इसको इंप्लीमेंट कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे एक मैंने एंड गेट लिया, ए एंड दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ए बार ले लिया और ये बी ले लिया, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे बी लिया इसी बी एक्सप्रेशन में, यहाँ पे इसको बबल लगा दिया, बबल लगाने के बाद एक एंड गेट यहाँ ले लिया और ये देखिए यहाँ पे ए इनपुट जो था वही इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया ए और बी बार आ गया। दोनों को मैं एक और गेट से ऐड कर दूं, दोनों में एक और गेट की मुझे रिक्वायरमेंट है क्योंकि एडिशन तो और गेट करता है, तो ये आ गया सम इक्वल टू ए एक्सक्लूजिंग बी आ गया, क्लियर। तो फिर इसके बाद मुझे कैरी चाहिए, क्या चाहिए कैरी, तो एक एंड गेट में और लगा दिया, एंड गेट और लगा दिया, ये आपका कैरी आ गया। कैरी के लिए मुझे चाहिए ए डॉट बी, तो देखिए ए तो यहीं से डायरेक्ट मैंने कनेक्ट कर दिया, बी यहां से लाके ऐसे कनेक्ट कर दिया इसमें, तो ये आपका यूजिंग द बेसिक गेट। आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, बबल बनाइए या तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए नॉट गेट का सिंबल ऐसे भी बना सकते हैं, क्लियर। तो ये देखिए आपका हाफ एडर यूजिंग द बेसिक गेट, हाफ एडर यूजिंग द एक्सक्लूजिंग आर गेट, क्लियर। तो ये दोनों हमने इंप्लीमेंट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि और इसमें क्या क्या हाफ एडर में पूछा जाता है, क्लियर। मैं इसको हटाता हूं, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, तो हाफ एडर में हमने इनपुट डिसाइड किया, आउटपुट डिसाइड किया, फिर इसके बाद उसमें हमने उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो बताया आपको, ठीक है। सिंप्लीफाई कई मेथड से कर सकते हैं वो बताया हमने, फिर हमने बताया कि हाफ एडर को आप बेसिक गेट से भी एंड वैसे गेट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि जो हाफ एडर है, क्वेश्चन देखिए गेट का, हाफ एडर को कितने नंबर ऑफ नैंड गेट से इंप्लीमेंट, नैंड गेट कितने लगेंगे, केवल नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है। पहला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आए हुए हैं गेट और आईएस में, हाफ एडर को ये देखिए। फिर दूसरा ए है कितने नॉर गेट लगेंगे, कितने नॉर गेट लगेंगे हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए, कितने नॉर गेट लगेंगे। फिर तीसरा आपका है हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने मक्स लगेंगे, ठीक है, हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने मक्स लगेंगे। फिर इस हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने मक्स लगेंगे, फिर इसके बाद हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने डिकोडर लगेंगे। तो हाफ एडर यूजिंग द नैंड गेट, हाफ एडर यूजिंग द नॉर गेट, हाफ एडर यूजिंग द मक्स, हाफ एडर यूजिंग द डिकोडर,
तो इन सबों से इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए अभी हमने मस्त और डिकोडर तो पढ़े नहीं है, लेकिन मैं ये दो अभी बता देता हूं आपको, नैनन्ना। जब मैं मक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें हाफ हेडर को ऑलरेडी उससे मैं इसको इम्प्लीमेंट करवा दूंगा, क्लियर। तो देखिए नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है यस इक्वल टू ए एक्सक्लूडिंग बी है, क्या है यस इक्वल, और कैरी इक्वल टू कितना है ए डॉट बी है, ये इसको मुझे नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है हाफ हेडर को। तो ध्यान से समझिएगा, नैंड गेट को ए एक्सक्लूडिंग बी पहले मुझे लेना है, तो ए ले लिया मैंने यहां देखिए और यहां बी ले लिया, एक नैंड गेट मैंने यहां पे ले लिया, ये देखिए नैंड गेट हो गया। एक्सक्लूजिंग आर गेट बना रहा हूं सबसे पहले, ये देखिए एक्सक्लूजिंग आर गेट, सबसे मिनिमम नंबर आप नैंड गेट से एक्सक्लूजिंग आर गेट मैंने बनाया, क्लियर। ये देखिए एक नैंड गेट यहां पे मैंने ले लिया और यहां पे एक देखिए ए, यहां पे एक नैंड गेट मैंने और ले लिया, जैसा कि ये आप लोग इससे फैमिलियर हैं, इसको जानते हैं एक्सक्लूजिंग आर गेट यूजिंग द नैंड गेट, ये देखिए नैंड गेट। तो ये आपका यहां से एक्सप्रेशन आ गया एस इक्वल टू ए एक्सक्लूजिंग बी आ गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी फिर से इंप्लीमेंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा होल का, यहाँ पे ए गया और यहां से बी गया, तो इस पे एक्सप्रेशन पे क्या आ जाएगा ए डॉट ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे बी डॉट ए बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखिए तो ये हो जाएगा ए बार और यहां आ जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो इसको तो ओपन कर सकते हो आप, इसको इसको इसके इक्वल देखिए ये वाली प्रॉपर्टियां लगा दीजिए, ए प्लस ए बार बी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी होता है, इसके चार फॉर्म बताया था मैं, ए बार प्लस ए बी इसका क्या हो जाएगा ए बार प्लस क्या हो जाएगा बी। तो इसको ओपन करेंगे तो इसको देखो सिंपल मैंने यहां बता दिया इस प्रॉपर्टी से, तो ये सिंपल आ जाएगा, यहाँ पे ए बार क्या आ जा रहा है बी आ जा रहा है, क्लियर। इधर भी आ जाएगा आपका बी बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी बार और प्लस क्या हो जाएगा ए, क्लियर। तो ये दोनों आपने सिंप्लीफाई कर लिया, क्लियर। आपका एक्सप्रेशन देखिए आगे क्या है, आगे में एक और क्या है नैंड गेट है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे आ गया ए बार प्लस क्या है बी और डॉट ये आ जाएगा बी बार प्लस ए, क्लियर, और होल बार ये आ गया एक्सप्रेशन यस का। तो यस को आप देखो और सिंप्लीफाई करके मुझे ये लाना है, तो ये बताइए इन दोनों को पहले इन दोनों को नीचे अंदर का ओपन कर लो, ये देखिए ये अपोजिट मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा, बताइए इस ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो अपोजिट मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये आ जाएगा ए बार बी बार प्लस क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा होल बार। जैसा कि तुम लोग जानते हो ये है क्या ए एक्सक्लूजिंग नॉर का बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ए एक्सक्लूजिंग बी, बेसिकली मैं इसको सिंपल करके तरीका बता रहा हूं, ठीक है, मेरा तो काम हो गया है, क्लियर। अब देखिए मुझे एक और कैरी के लिए चाहिए, मैंने मुझे सम तो मिल गया, सम तो मैंने प्रूव कर दिया कि इस तरह से बनेगा केवल ओनली नैंड गेट से, ठीक है। अब देखिए मुझे कैरी के लिए एक चाहिए, कैरी क्या है ए डॉट बी, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये देखिए यहां से मैं ये पकड़ा इसको, ये देखिए यहां से एक सॉर्टेड नैंड गेट लगा दिया, सॉर्टेड नैंड गेट लगा दिया, और सॉर्टेड नैंड गेट का मतलब नॉट गेट है, तो ये आउटपुट आ जाएगा कैरी आ जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पांच नैंड गेट लगे, कितने लगे ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अगर पांच मिनिमम पांच नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्लियर। अब मैं आता हूं नॉर गेट पे, इस पे आता हूं नॉर गेट पे, क्लियर। तो नॉर गेट आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आया होगा,
अब इसके बाद आते हैं नॉर गेट से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास सम है ए एक्सक्लूजिंग बी एंड कैरी है ए डॉट बी। मिनिमम नंबर आप नॉर गेट से इंप्लीमेंट करना है, कितने मिनिमम नंबर आप नॉर गेट लगेंगे। तो आप जानते हैं सम इक्वल टू हमारे पास है ये बताइए ए एंड बी बार है प्लस क्या है ए बार बी है, क्लियर। इसको तो आप लोग जानते हैं। तो ये देखिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी, ये क्या है का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है एक्सक्लूजिंग नॉर गेट है, एक्सक्लूजिंग नॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एक्सक्लूजिंग ऑर गेट आएगा। तो मैं देखिए इसको इस तरह से लिख लिया, फिर मैं इसको और थोड़ा से ओपन कर रहा हूं। तो ये देखिए ए प्लस ए डॉट बी आ गया, फिर देखिए आपका ए आ जाएगा प्लस, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। बोलो होल का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये लिख सकते हैं। तो आप इस चीज को तो समझ गए होंगे, क्लियर। फिर देखिए इसको मैंने एक्स मान लिया और इसको मैंने वाई मान लिया, ठीक है, एक्स एंड वाई का ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो आपको पास ए हो गया। तो सबसे पहले मुझे एक्स बनाना होगा, क्या बनाना होगा एक्स बनाना होगा, एक्स ए डॉट बी है, एक्स क्या है ए डॉट बी। ए डॉट बी नॉर गेट से कैसे बनाते हैं, और ये तो ऑलरेडी नॉर गेट है वाई, तो एक्स की वैल्यू मैंने बताया, एक्स की वैल्यू हमने क्या मान लिया है ए डॉट बी, एंड वाई की वैल्यू मैंने क्या मान लिया है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स की वैल्यू देखिए ए डॉट बी मैं बनाने चल रहा हूं नॉर गेट से। तो जैसा तुम लोगों को बताया हूं कि अगर ये नॉर गेट से बनाना है तो आप लोग ये पहले किस गेट से है एंड गेट से, तो ऐसा बना लो, ये आपने ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया, और ये देखो मैं बता रहा हूं कैसे बनता है, ये बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये कौन सा गेट है ये बताओ एंड गेट है, और यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है एक्स, एक्स कितना आ रहा है ए डॉट बी। मुझे इसको नॉर गेट से बनाना है तो बबल्ड एंड गेट इक्वल टू क्या होता है नॉर गेट। तो मैंने बबल लगा दी, इस बबल को ऐसे ले गया, बबल लगा दिया, यहाँ बबल लगा दिया, क्लियर। तो अब देखो मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ये इक्वल टू यहाँ पे एक सॉर्टेड नॉर गेट आएगा, ये देखिए सॉर्टेड नॉर गेट आएगा, क्लियर। यहाँ पे बी ले लिया, बी पे यहाँ पे भी एक सॉर्टेड नॉर गेट आएगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये प्रोसीजर, एक और ये नॉर गेट हो जाएगा, तो ये देखिए एक नॉर गेट और आ जाएगा, क्लियर। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी, तो इसका मतलब ये तो कैरी हो के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका एक्स आ गया, एक्स और वाई, एक वाई चाहिए, वाई क्या है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पे ए ले लिया और बी ले लिया और यहाँ पे एक नॉर गेट लगा दिया, सिंपल एक सिंपल नॉर गेट लगाया, और ये क्या आ गया वाई इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। वाई को एक्स के साथ फिर से एक नॉर गेट रिक्वायरमेंट है, ये देखिए वाई के साथ एक फिर से नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है, तो ये देखिए ये नॉर गेट मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सम, ये क्या है सम, ये सम इक्वल टू आ गया एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, और यही एस इक्वल टू ये क्या है ए एक्सक्लूजिंग बी है, और ये आपका कैरी है, ये क्या है कैरी, कैरी इक्वल टू ए डॉट बी। तो कितने नंबर आप नॉर गेट लगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 नॉर गेट ही लगता है, क्लियर। तो ये जैसा कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कैसे कितने नॉर गेट लगते हैं कितने नैंड गेट लगते हैं, मक्स डी मक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको इंक्लूड करूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।